नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति ज्ञान चैनल में। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली से पहले कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को धन त्रयोदशी या धनवंतरी जयंती भी कहा जाता है। धनतेरस पर माँ लक्ष्मी, भगवान धनवंतरी और कुबेर देवता की उपासना करने से घर में धन के भंडार कभी खाली नहीं होते। इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार को मनाई जाएगी। इस त्योहार को धन और समृद्धि का कारक माना जाता है। धनतेरस की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 पर हो जाएगी और इस तिथि का समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर होगा। अब बात करते हैं धनतेरस पर पूजा के मुहूर्त की। धनतेरस का पूजन शाम को किया जाता है। 29 अक्टूबर को शाम 6:31 से लेकर 8:31 तक पूजन किया जा सकता है। यानी धनतेरस पूजा के लिए आपको 1:42 का शुभ मुहूर्त मिलेगा। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी, माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा का विधान बताया गया है। इसके लिए शुभ मुहूर्त में कुबेर देवता, भगवान धनवंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा का प्रारंभ करें और किसी पवित्र जगह पर इनकी तस्वीर या प्रतिमा को रखें। फिर गणेश भगवान की मूर्ति भी पूजा में अवश्य शामिल करें। इसके बाद सभी देवी देवताओं को तिलक लगाएं, उन्हें फूल, फल, मिठाई आदि अर्पित करें और दीपक जलाएं। फिर अपनी मनोकामना देवताओं से कहें। धनतेरस के दिन आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीद सकते हैं और दिवाली के दिन इनकी पूजा कर सकते हैं। इस दिन सोना, चांदी और झाड़ू खरीदना बेहद ही शुभ माना गया है। इसके अलावा धातु के बर्तन खरीदना भी शुभ होता है। विशेष तौर पर चांदी और पीतल को भगवान धनवंतरी का प्रमुख धातु माना जाता है। ऐसे में इस दिन आप चांदी या पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं। भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन के दौरान हाथ में कलश लेकर उत्पन्न हुए थे, इसलिए आप धनतेरस के दिन पानी भरने वाला बर्तन भी खरीद सकते हैं। धनतेरस की शाम के वक्त परिवार की मंगल कामना के लिए यम नाम का दीपक भी जलाया जाता है। इसके लिए शाम के समय घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थल को साफ करके वहां दिया जलाना चाहिए। एक स्वच्छ थाली में चांदी, सोना या पीतल के बर्तन को रखकर उसमें चावल, हल्दी और धनिया अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा धनतेरस की रात को माँ लक्ष्मी की विशेष आरती और दीपदान करना भी बहुत शुभ होता है। धनतेरस के दिन कुछ कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। इस दिन घर में टूट फूट से संबंधित कोई काम नहीं करना चाहिए, जैसे नल, दरवाजे या अन्य चीजों की मरम्मत नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा इस दिन उधार देने या उधार लेने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। आइए सुनते हैं धनतेरस की पौराणिक कथा। त्यू के देवता यमराज ने एक बार यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या मनुष्य के प्राण लेने में उन्हें कभी किसी पर दया नहीं आती। इस पर यमदूतों ने जवाब दिया कि नहीं आती है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ आपके निर्देशों का पालन करते हैं। जिस पर यमराज ने कहा कि निसंकोच होकर बताओ, क्या कभी किसी मनुष्य के प्राण लेने में आपको दया आई है। तब एक यमदूत ने कहा, एक बार ऐसा कुछ घटित हुआ था जिसे देखकर हमारा हृदय पसीज गया। यमदूत ने बताया कि हंस नाम का राजा शिकार के लिए जंगल गया था, जहाँ पर वो रास्ता भटक गया और दूसरे राज्य की सीमा पर चला गया। दूसरे राज्य का शासक हेमा था। हेमा ने राजा हंस का आदर सत्कार किया। वहीं उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषों के अनुसार बच्चे के ग्रह नक्षत्र की गणना की गई तो पता चला कि उसके विवाह के 4 दिन बाद ही उसकी मृत्यु होनी है। तब राजा हेमा ने आदेश देते हुए कहा कि इस बालक को यमुना नदी के पास ब्रह्मचारी के रूप में एक गुफा में रखा जाए और जहाँ पर इस बालक की नजर कभी किसी स्त्री पर पड़े ही ना, जिससे ये कभी विवाह ही ना करे। लेकिन विधि का विधान तो कुछ और ही था। लेकिन एक दिन संयोगवश राजा हंस की पुत्री
उसी यमुना के तट पर चली गई जहां राजा हेमा के पुत्र को रखा गया था। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का विलाप सुनकर हमारा हृदय पसीज गया था। ये सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि विधि के विधान को तो टाला नहीं जा सकता, इसलिए मर्यादा में रहते हुए उन्हें ये काम करना ही पड़ेगा। तब यमदूतों ने यमराज से पूछा कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से बच सके। तब मृत्यु के देवता यमराज ने कहा, जो भी व्यक्ति धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करेगा और दीप दान करेगा, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इसी घटना के कारण धनतेरस के दिन आरोग्य की प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी के साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाने लगी और दीपदान किया जाने लगा। तो ये थी आज की जानकारी और कथा। आपको ये कथा और जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।